गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका फर्स्ट क्लास का लेसन 4 जो हम कर रहे थे मेजरिंग यूनिट, उसमें हम 12 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रिज इज एज लॉन्ग एज ट्रैक। ब्रिज जो है वो उतना ही लंबा है जितना कि ट्रैक लंबा है। तो देखिए ट्रैक ब्रिज के कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ट्रैक कितना लंबा है, 11। नेक्स्ट देखिए टाइम एंड डेज। टाइम इज द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस। टाइम क्या है, जो समय के साथ साथ सिचुएशंस बदलती जा रही हैं उसको टाइम कहते हैं। द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है भविष्य। मतलब कि जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। और हम इसको कैसे मेज़र करते हैं टाइम को, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स मतलब घंटे, डेज मतलब दिन, वीक्स मतलब हफ्ते, मंथ्स मतलब महीने, और ईयर्स मतलब सालों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यू टू गो टू स्कूल इन। आप स्कूल कब जाते हो, मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में या आफ्टरनून में? आप सभी स्कूल कब जाते हो, मॉर्निंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लीस्ट मतलब सबसे कम समय लेगी कौन सी एक्टिविटी काम को पूरा करने में। तो ए, बॉल को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने में सबसे कम समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए, रिया गोज टू प्ले इन द। रिया जो है खेलने कब जाएगी, मिडनाइट में आधी रात को, इवनिंग में शाम को, आफ्टरनून दोपहर में, या नाइट रात को, वो कब जाएगी, इवनिंग में। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वरुण्स बर्थडे इज ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ जुलाई, देन ऑन विच डेट वरुण विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो देखिए जुलाई का मंथ आपको शो किया हुआ है, उसमें फर्स्ट जो मंथ का थर्सडे है वो है 7th डेट को, तो सेकेंड थर्सडे कौन सी डेट को होगा, 14th जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। साक्षी वेक्स अप इन द डैश टू गो टू स्कूल। सुबह हम साक्षी कब उठेगी स्कूल जाने के लिए, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर में, नाइट रात को, या इवनिंग शाम को, वो सुबह उठेगी मॉर्निंग में। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं अपने आप, इनको आप ध्यान से अपने आप जो है समझकर करने की कोशिश करिएगा। मेरी जो मैं पिक्चर आपको सेंड करूंगी उसको देखने की बजाय आप खुद समझ के वीडियो सुन के करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इसके साथ ही कंप्यूटर का हम करते हैं। कंप्यूटर में आज हम करेंगे एम, ठीक है, एम फॉर मैंगो, और कंप्यूटर में एम फॉर माउस। माउस मतलब वो जो कंप्यूटर में जिससे हम कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ माउस, ये माउस है। इट मूव्स द कर्सर ऑन द मॉनिटर। ये क्या करता है, मॉनिटर पे आपको एरो नज़र आता है ना आपके पास, अगर कंप्यूटर हो या किसी ने देखा हो तो, कंप्यूटर में एक छोटा सा एरो बना होता है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। हम उस एरो को उस आइकन तक लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं तो वो जो है ओपन हो जाता है। तो माउस का यूज़ किस लिए होता है, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, एम फॉर माउस। तो आपका यहीं पे एम तक हो गया है, अगस्त में आपका इतना ही आना था, तो आप इतने तक जो है दोबारा से रिवाइज करिएगा। ए टू एम आपको लर्न होने चाहिए माउस, कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।